डार्क ट्रूथ अबाउट आईआईटी, 90s का मिरर, आईआईटी का सच। नेशनल अवार्ड विनर लिरिसिस्ट वरुण ग्रोवर आ गए हैं अपनी डेब्यू डायरेक्टोरियल फिल्म के साथ, जिसका टाइटल भले ही ऑल इंडिया रैंक है बट मूवी कहीं भी आईआईटी पे तो बात ही नहीं करती है। क्यों, बताएंगे आपको इन दिस डिटेल रिव्यू ऑफ फिल्म ऑल इंडिया रैंक। प्लॉट पर आए तो कहानी सेट है इन लेट 90s, जहां विवेक की जिंदगी में खुद के कोई भी एस्पिरेशंस नहीं है, बट अपने पापा के जोर जबरदस्ती करने पर वो निकल पड़ता है कोटा के लिए आईआईटी क्रैक करने के लिए। अब वो आ तो गया है, बट कोटा कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, आईआईटी हब है, क्योंकि यहाँ पूरे इंडिया से लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब इसमें कैसे विवेक सर्वाइव करेगा, क्या वो आईआईटी क्रैक कर पाएगा, ये देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। एंड वी नो आप सोच रहे होंगे कि आईआईटी और कोटा पर कितने सारे फिल्म्स एंड सीरीज ऑलरेडी बन चुके हैं, तो अब इसमें एक और फिल्म क्यों लाना। तो इसका इजी आंसर है, ये फिल्म आईआईटी पर नहीं बात करती, इट्स अ स्टोरी ऑफ अ बॉय, ऑफ ड्रीम्स, ऑफ एन एज एंड लास्टली ऑफ थॉट्स। और इस स्टोरी को हमारे सामने लाने के लिए डायरेक्टर की कैप में हमारे सामने आए थे वरुण ग्रोवर, जिनका डायरेक्शन इजीली स्ट्रॉन्गेस्ट है इन हिज डेब्यू। उनका बेसिक प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी ब्रिमिंग विद लेयर्ड कैरेक्टर्स एंड सिचुएशंस इज सिंपल येट रियली इफेक्टिव। एंड सब कुछ एक साथ जब स्क्रीन पर हमारे सामने आता है, वी आर जस्ट इन प्योर ओ ऑफ द स्वीट स्टोरी प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अस। जिसमें इसके कैरेक्टर्स पर आए तो ऑल द कैरेक्टर्स हैव देयर ओन आर्क्स एंड दे ऑल आर पोर्ट्रेड वेल बाय द एक्टर्स, मेकिंग इट अ डिलाइटफुल एंड बैलेंस्ड वॉच। एंड लास्टली मूवी के एक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर आए तो वो है द 90s नॉस्टैल्जिया। इट प्रेजेंट्स छोटी छोटी डिटेल एंड क्रिस्प डिटेलिंग एज पर 90s, काफी अच्छी लगती है। जैसे कि कैरेक्टर्स के थॉट्स उस टाइम के हैं, जिसमें उनकी बातें, स्टाइल एंड प्रॉब्लम्स भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं टू द एरा, एंड ये काफी रिलेटेबल है टू ऑल द 90s किड्स एंड पेरेंट्स। फ्रॉम द कैरेक्टर्स थॉट्स टू द डायनामिक्स ऑफ द एरा वेर अ गुड कॉल बैक। एंड इसी चीज को फिल्म का म्यूजिक काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कराता है, प्रोवाइडिंग अ सिम्फोनिक ब्लिस। मूवी का म्यूजिक ऑफ द फिल्म फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इज सिंपली एप्ट टू द प्लॉट। एंड वरुण ग्रोवर, हु हैपेंस टू बी अ नेशनल अवार्ड विनिंग लिरिसिस्ट, उनके एक लिरिक्स जस्ट हिट द राइट इमोशंस एट राइट टाइम, मेकिंग इट अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। एंड लास्टली वी लव दैट द मूवी डजंट फोकस एज मच ऑन द मीडियम ऑफ इट, बट इट्स स्टोरी, जो कि कहानी है एक लड़के के प्रोस्पेक्टिव से एंड अराउंड him, which we must say the movie is in the story of determination, but story of almost every Indian household, and it's all binded well from the start to end. And usme representation of thoughts and situation at times with illustrations and animations were something that we did not anticipated, but felt was a bang on addition. All India Rank par hamara final verdict yahi hoga ki one should not miss this beautiful tale, which will make you nostalgic about the 90s along with teaching you a life lesson if you doubt your part. Movie talks about dreams and aspirations just perfectly and is made with heart to reach other hearts. And with this hit, hum All India Rank ko denge 3.5 stars out of 5 stars. But agar aapne film already dekhi hai, toh do let us know in the comment section below ki aapko film kaise lagi. And for more updates, do follow our page.